हेलो स्टूडेंट्स, ले आया है लक्ष्य एकेडमी आपके लिए लक्ष्य टारगेट बैच, जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है अब 23 तारीख से, 23, 24, 25, 30 और 31, जिसके बारे में मैं अपनी अपनी वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कैसे क्या क्या सिलेबस रहेगा। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो ये री एग्जाम है, एक बार एग्जाम हो चुका है, कैंसिल हो गया था लीक होने की वजह से, अब दोबारा एग्जाम है। जिन भी बच्चों का उस टाइम एग्जाम में कोई प्रॉब्लम रह गई, नहीं दे पाए या नहीं पहुंच पाए टाइम से, उनके लिए एक सुनहरा मौका है यूपी पुलिस की वर्दी पहनने का। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, और लक्ष्य एकेडमी इसमें आपके साथ है, बैच लेकर आया है जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होगा विद इन 10 to 15 days में। आपका सारा सिलेबस और विद प्रैक्टिस सेट आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपका हिंदी मेन रोल है, जीएस मैं आपको करा रही हूँ, मेरा नाम है पूजा, हिंदी नवीन सर कराएंगे आपको, मैं अभी आपको बताऊंगी इस बारे में भी। तो हिंदी पे अपना फोकस करिए, और जो सर आपको हिंदी कराने वाले हैं वो बिल्कुल डिटेल में कराएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास से, जो रहेगी मेरे साथ आपकी जीके की। डेली आपको क्लास मिल जाएगी, इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप अपना सिलेबस स्टार्ट करें। 1 तारीख से आपका बैच ये स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसमें मैं आपको कराऊंगी जीके, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। देखिए मैं चीज को क्लियर करती हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस तरीके से कराऊंगी तो आपका कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होगा, क्योंकि दिन कुछ ही रह गए हैं। तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चन मिलाकर कराऊंगी, साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो एक्सप्लेनेशन से होगा क्या, आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भले ही चाहे मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊं या 20 क्वेश्चन कराऊं, आपके इससे 100 या 150 क्वेश्चन टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ध्यान से अपने नोट्स बनाते चलो, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट जरूर करो, ताकि हम भी प्रिपेयर रहें कि हमें नेक्स्ट क्लास में अपनी कौन सी कमी दूर करनी है और बच्चों को आखिरकार चाहिए क्या। तो कमेंट करना ना भूलें। और बताती हूँ साथ साथ आपको इस बैच के बारे में, कि बैच में आपको और क्या क्या कौन कौन करवाएगा। देखिए जो मैथ्स, मैथ्स का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, मैथ्स और रीजनिंग। विकास सर आपको मैथ्स कराएंगे लाइव आकर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कितने बजे, टाइमिंग वगैरह विकास सर आपको जल्दी ही मिलेंगे। तो आपका ये मैथ्स की ऐसी क्लास करवाएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे जो आपका पेपर में आने वाला है। अगर मैं बात करूं आगे आपकी स्टैटिक जीके, देखो स्टैटिक जीके का भी एक अच्छा रोल है आपके एग्जाम में। यूपी पुलिस एग्जाम, वर्दी पहनना कोई आसान काम नहीं है। हमें सिलेबस बहुत कम नजर आता है कि इंग्लिश नहीं है, कोई बड़ा एग्जाम नहीं होगा, है ना, हम क्रैक कर लेंगे, लेकिन कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता है, उसके लिए तैयारी आपको बढ़िया करनी ही होती है। तो स्टैटिक जीके जिसमें आपके फेस्टिवल रहते हैं, डांस रहता है, फोक डांस रहता है, क्लासिकल डांस रहता है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको कराएंगे मेरे साथ जतिन सर, ठीक है। इनकी क्लासेस भी आपको पता चलती रहेंगी, तो उसके लिए भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन कि कौन सी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पूरा शेड्यूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करूं मैं, मोस्ट मैं भी बात कर ही रही थी हिंदी की, तो हिंदी आपको मेरे साथ नवीन सर करवाएंगे। तो नवीन सर खुद भी हिंदी के टीचर हैं, एक्सपीरियंस है इनको अच्छा, और ये आपको बहुत डिटेल में हिंदी कराएंगे जो आपकी यूपी पुलिस में तो काम करेगी करेगी, और भी जितने एग्जाम है वहां पर भी आपकी हेल्प करेगी। इसके लिए आप बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, सर की क्लास को बढ़िया तरीके, देखो उसमें सारा सिलेबस है, ये सब कुछ कवर करवाएंगे, चाहे वर्णमाला है, संधि है, समास क्रिया, जो भी आपका आता है, वोकैबुलरी से है, वर्णमाला से क्वेश्चन है, सभी सर आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स, रीजनिंग, विकास सर, मैं आपके जीएस संभालूंगी, ठीक है। स्टैटिक्स जीके बता दी, आपकी हिंदी बता दी, यही आपका सिलेबस है यूपी पुलिस का। तो अपनी वर्दी इस बार मिस मत करो, क्योंकि जो वैकेंसी है वो 60,000 प्लस वैकेंसी है, ऐसे मौका बार बार नहीं मिलता। तो आज अपनी फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं जीएस जीके की। मेरे साथ आपकी फर्स्ट क्लास, चलिए तो आज हमारी जीके की फर्स्ट क्लास हो रही है। आई होप बस आपसे हम इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, स्टेटस वगैरह पे मेंटेन करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो फैले और हमें भी मोटिवेशन मिले और आपका भी यूपी पुलिस इस बार क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं भगवान का नाम लेकर, ताकि आपका पेपर क्लियर हो।
निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए हिंदी मीडियम, हिंदी पीपीटी बनी हुई है, हिंदी में तैयार है, बट अगर इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाहरी ग्रह है? देखो सौर मंडल से ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपका पहला, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिलेबस में है तो, और सौर मंडल से भी आपका क्वेश्चन आता आता है। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बाहरी ग्रह कौन से होते हैं, ग्रहों का सीक्वेंस लगाना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा बाहरी ग्रह है यानी कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं आपके, कौन सा है इसमें से? शुक्र आपका इनर प्लैनेट है, आपके जो चार सूर्य के करीब है वो आपके इनर प्लैनेट है, और जो सूर्य से चार बाकी के पीछे के प्लैनेट है वो आपके आउटर प्लैनेट होते हैं। तो शुक्र नहीं, शुक्र नहीं होगा आपका, धरती नहीं होगा, शुक्र का दूसरा स्थान है, धरती का तीसरा स्थान है, बुध का पहला स्थान है, शनि, शनि ग्रह, शनि आपका बाहरी ग्रह है, तो आपका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, इसके बारे में भी और बता देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं डीपली ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले ये है आपका सन, क्या है आपका सन? सन से सबसे पास में है बुध, इसका मतलब घूमेगा जल्दी तो टाइम भी कम लेगा, तो 84 डेज में ये आपका एक रेवोल्यूशन पूरा कर देता है, एक चक्कर पूरा लगा देता है। दूसरा है शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है, वो है आपका शुक्र। साइज में सेम है लेकिन यहाँ पे गैसेस बहुत ज्यादा है, ठंडा बहुत है, तो इस वजह से यहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं है। तीसरा है अर्थ, जिसको नीला ग्रह भी कहते हैं आपका। चौथा है आपका मंगल। तो ये तो है आपके इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह, और इसके बाद में जो बचे आपके जुपिटर यानी कि बृहस्पति, अरुण आपका, शनि और वरुण, सबसे लास्ट में आपका नेपच्यून यानी कि वरुण, और अगर आपका क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा छल्ले किसमें है, रिंग्स किसमें है, तो आपका शनि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये देख लीजिए, सूर्य की ग्रह की दूरी का क्रम बता रखा है, सूर्य से सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वरुण मतलब नेपच्यून। ठीक है, ग्रहों का आकार घटते क्रम में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले के घटते क्रम में लगाइए तो सबसे बड़ा आपका है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, सबसे लास्ट में है आपका बुध, अगर घटते क्रम में बात आ जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ी सी क्लियर करते हुए चलो, अपने नोट्स बनाते हुए चलो। नेक्स्ट अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, जो क्वेश्चन था, तो आंतरिक ग्रह मैंने आपको बता दिया जो सूर्य के पास है सबसे, वो आपके चार हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और जो आउटर प्लैनेट है वो है सूर्य से दूर, जिसमें आपका बृहस्पति रहेगा, शनि रहेगा, अरुण और वरुण रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा शहर नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, तो लोथल, लोथल था आपका, तो नहीं में पूछ रखा है, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना कि क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछ रखा है या नेगेटिव में, तो नहीं पूछ रखा है तो लोथल था आपका, धोलावीरा ये भी था, मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपका नहीं था, ठीक है, सोतका को ये भी आपका था, तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति जो थी, सिविलाइजेशन जो थी, वो किस लिए फेमस थी? अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो स्नानघर थे वो नहाने के बड़े बड़े स्नानागार बने हुए थे। हड़प्पा संस्कृति जो थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। देखो इसकी खुदाई पहले तो कब आई, 1921 में। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियों का, जो ड्रेनेज पानी, शहरों का जो गन था, नगरों का जो गन था, वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है इसमें, तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। दयाराम साहनी ने 1921 में यह रावी नदी, कौन सी नदी? रावी नदी, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी, क्या कौन, किस किस के साक्ष्य मिले थे? श्रमिक आवास मिले थे, अनागार यानी कि जो राशन था, अन्न था, उनके बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले थे, एक तरीके से गोदाम से मिले थे, लकड़ी का ताबूत, और RH-37 कब्रिस्तान, एक नाम है कब्रिस्तान का, वो भी हड़प्पा संस्कृति से मिले थे।
तो हड़प्पा संस्कृत से भी अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका कोई छूटना नहीं चाहिए। आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है, यानी कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए थे ये, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन है, किसकी बात हो रही है, इंडस सिविलाइजेशन की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था, किसका, पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह आगे की तरफ, उसका मेन गेट आगे की तरफ नहीं था, वो गली में पीछे की तरफ, पीछे की ओर गलियों में खुलते थे, ठीक है, ये एक डिफरेंस था। क्वेश्चन आया हुआ है ये भी आपका। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क, कैसी सड़क मिलती थी, चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी थी, 10 मीटर, कितनी थी, 10 मीटर। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानघर यानी कि नहाने की जगह, कुएं तथा कुछ बड़े नगरों घरों में शौचालय भी मिलते थे, सभी में नहीं मिलते थे, टॉयलेट्स वगैरह वो कुछ ही जगह मिलते थे, ठीक है। इन नालियां भी मिलती थी, मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत बढ़िया तरीके से। कभी एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश होने का कारण बताइए, तो विनाश होने का कारण भी यही है, ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं सही चला पाए, खराब हो गया, जिसकी वजह से सभ्यता खराब होती चली गई, बाढ़ आ गई, कहीं कहीं सूखा पड़ गया, तो ये सारे कारण भी विनाश के कारण बने हड़प्पा संस्कृति के। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट। आपको ये पीडीएफ मिल भी जाएगी, ठीक है, ताकि आपके कोई नोट्स या कोई स्क्रीनशॉट आपका रह गया हो तो आप उससे कवर कर सकते हैं। भारतीय संविधान में, अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का, अनटचबिलिटी का अमूलन प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया, मतलब बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कौन से आर्टिकल में अनटचबिलिटी को देखा गया। अनुच्छेद 14 नहीं है, समानता का है आपका, 19 नहीं, 17। अनुच्छेद 17 में बात रखी गई अनटच, अस्पृश्यता की, कि कोई भी छुआछूत की चीजें नहीं होंगी, सब समान है, ठीक है। अनुच्छेद 32 की बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको संविधान का हृदय भी कहा जाता है। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी और समझ लेते हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, किसके समक्ष, कानून के समक्ष समानता, कि सभी इक्वल है। अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में बात करी गई है, 14 में, 19 में, कि जो भी इंसान है, वहां पे ऑप्शन में 19 भी था आपका, कि जो भी इंसान है वो कहीं पे भी अभी अपनी अभिव्यक्ति, अपना एप्टीट्यूड रख सकता है, अपनी बोलने की, जो उसका भाषण देना है वो उसमें वो स्वतंत्र है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में बात करिए, जीवन का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कहीं भी इंसान जा सकता है, आ सकता है, उसको जीने का अधिकार है, वो कहीं पे भी रह सकता है। 21A में इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 21A, 21A शिक्षा का अधिकार, जिसमें आपका 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करी गई, ठीक है, कि जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं इनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी आर्टिकल 21A के अंडर। अनुच्छेद 32 में मैंने अभी बात करी संविधान का उपचार, इसे संविधान का हृदय भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, ठीक है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी समान है। 51A में मौलिक कर्तव्य है हमारे जितने भी हैं, ठीक है। अनुच्छेद 112 में बजट की बात होती है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं चल सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और पेपर में अब ज्यादा टाइम नहीं है, हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन इतना ज्यादा नहीं कर सकते, हमें मोटी मोटी चीजें देखनी है क्योंकि हमें सब कुछ आता है, हमने पढ़ रखा है, कि अब उस चीज को हम कैसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की बात करी गई है। अनुच्छेद 343 343 में बात होती है आपकी सभी भाषाओं की, सभी 22 भाषाएं, पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं शामिल हैं इसके अंदर, हमारी लिपि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा, ठीक है, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा कोई सी भी नहीं है, ठीक है, हिंदी जो है हमारी वो राजभाषा है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की बात करी गई, अगर देश में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी तो उसके क्या क्या प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद का है, आर्टिकल का इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। देखिए उन्होंने क्वेश्चन सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं पूछा, सबसे अधिक देश, कंट्री किस महाद्वीप में, यानी कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज है, क्वेश्चन है बेसिकली ये आपका, तो
अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में नहीं, इसका आंसर होगा आपका अफ्रीका, एशिया में नहीं, सॉरी अफ्रीका, यूरोप में नहीं और उत्तरी अमेरिका नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका अफ्रीका। और सबसे बड़ा अगर कॉन्टिनेंट पूछ ले आपसे तो एशिया है आपका, ठीक है, वैसे साइज वाइज क्षेत्र वाइज आपका पूछ ले तो, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, वाइट कॉन्टिनेंट आपका है अंटार्कटिका। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, इसके बारे में और देख लेते हैं आगे। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में कितने देश हैं? 50 देश शामिल है, टोटल कितने हैं? 50 कंट्रीज हैं एशिया में। यूरोप, ठीक है, जिसको यूरेशिया भी कहा जाता था, एशिया में से ही निकला है। यूरोप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप जो है आपका एशिया के कहां पर है? आपके वेस्ट में है, एशिया के। यूरोप में कितने देश हैं? 51 देश शामिल है। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका जो है आपका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट की बात करूं तो सबसे बड़ा है आपका एशिया, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपके कॉन्टिनेंट रहेंगे। और उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में 23 देश शामिल है, कितने? 23, ठीक है। और कॉन्टिनेंट के बारे में क्या क्या बात पूछ सकते हैं आपसे, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है? एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्वेश्चन आपका यह था कि किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, तो 54 थे आपके अफ्रीका में, एक बार आप लिख लीजिए, अफ्रीका में है आपके 54 सबसे ज्यादा, ठीक है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया में है 50, कितने हैं? 50 दूसरे नंबर पे है आपका एशिया। यूरोप महाद्वीप जो आपका है यूरेशिया से बना हुआ है, आपका यूरेशिया से निकल के यूरोप, उस महाद्वीप कहाँ पर है आपका? एशिया के वेस्ट साइड में है, पश्चिम में स्थित है। यूरोप में 51, कितने हैं? 51 देश हैं टोटल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आपके हैं 23 देश, कितने 23 है, कितने देश हैं? 23, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा है अफ्रीका में 54। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि उत्तर वैदिक काल जो था उसमें कौन सी नदी के बारे में बात करी गई है, क्वेश्चन है आपका ये। सिंधु और सरस्वती, नहीं सरस्वती की बात नहीं हुई हुई है उसमें, बात हुई हुई है आपकी गंगा और यमुना की। किसकी बात हुई हुई है? गंगा और यमुना की। गंगा आपकी सबसे बड़ी नदी है, पवित्र नदी है, होली रिवर है, 25-25 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलते हुए ये यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से ये 5 स्टेट कवर करती हुई कहाँ गिरती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में, वहां पर डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर, ठीक है। और यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसके ऊपर आपका उत्तर प्रदेश शहर बसा हुआ है, ठीक है, यूपी भी और दिल्ली भी। चलिए, तो सरस्वती नहीं, इसमें भी सरस्वती आ गया, तो आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा? ऑप्शन सेकंड। आगे देख लेते हैं, इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में और देख लेते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी, कैसे काम करते थे? 5 भागों में बटी हुई थी, कुल ग्राम विश जन और राष्ट्र, कितने 5 भागों में बटी हुई थी? कितने वेद थे? ये भी उत्तर वैदिक काल का ही क्वेश्चन है आपका। 4 वेद थे आपके, कौन कौन से? नहीं, ये वैदिक काल का क्वेश्चन है आपका, उत्तर काल नहीं, ये पूर्व का क्वेश्चन है कि कितने आपके वेद थे। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल आपके और 1028 सूक्त और 10462 इसमें रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसमें आपका गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का जिक्र हुआ हुआ है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं भी शामिल है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है 10,580, ठीक है, इनमें से 118 मंत्र ऐसे हैं जो दोहराए गए हैं, रिपीटेशन है। मूल मंत्रों की संख्या है इसमें 10,462। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो 10,462 जो है ये मूल मंत्र है, बेसिक मंत्र है इसमें।
तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इसका, और इसके बारे में थोड़ा सा डीपली आप पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के वित्त, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका लिया गया है, आपका अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को सौंपता है, किसको सौंपता है भाई, काम करने के बाद या काम जितना हुआ है अपनी रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करेगा? चुनाव आयोग जो है आपका, सॉरी वित्त आयोग जो है आपका, वो आपको सीधा सीधा राष्ट्रपति आंसर लगाना है, भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है कौन? वित्त आयोग, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देती हूँ। जो आर्टिकल 52 है वो भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 52 किसका है? भारत के राष्ट्रपति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल के अंडर काम आता है, तो 52। संघ और कार्यपालिका की शक्ति आती है 53 के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद आता है, 55 निर्वाचन की रीति अनुच्छेद आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। 56 राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 56 में वो कितने साल के लिए नियुक्त होगा, ठीक है, उनकी सैलरी वगैरह सब इसमें आती है। 57 पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद आएगा इसमें, कि दोबारा से आपका निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, किसको आपने अपना शपथ ग्रहण वगैरह सब इसमें आता है आपका। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहिताय अनुच्छेद, यानी कि क्या क्या कंडीशंस है, आर्टिकल 58 में आता है। 59 में आता है आपका राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, लाभ पद पे ना हो, उम्र हो, ठीक, क्या उसकी एज रहती है, इस तरीके के सारे को जो भी आपका सारी कंडीशन है वो आती है आपकी आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा अनुच्छेद किसके सामने शपथ लेगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल नंबर 61, हर पेपर में आपका एग्जाम रहता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से आर्टिकल पे चलाया जाता है, तो आर्टिकल 61 आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? कर्क रेखा की बात हो रही है। भारत के बीचों बीच से निकलने वाली एक ऐसी रेखा है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कितने टोटल? 8 राज्यों से, ये क्वेश्चन आपका आता है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, नहीं गुजरती तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम और राजस्थान, और भी बता देती हूँ मैं आपको कि कौन कौन से स्टेट से ये कवर होती हुई निकलती है, आपकी बीचों बीच काटती है। सबसे पहले वेस्ट गुजरात से कवर करती है, सबसे पहले गुजरात से होती है, फिर राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा है पूंछ जिसे बोलते हैं, इस तरीके से यहां से काटती हुई जाती है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश को कवर करेगी, फिर छत्तीसगढ़ को, सबसे पहले आप इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए, गुजरात, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे है ये एमपी, मध्य प्रदेश से कवर करती है, फोर्थ है इसमें झारखंड, फिफ्थ है इसमें आपका छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पे रहेगा छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल और फिर मिजोरम और त्रिपुरा कवर करती है। तो टोटल 8 स्टेट कितने कवर करती है? ये 8 स्टेट्स को काटती है, कौन से को नहीं काटती, क्वेश्चन था आपका, तो उड़ीसा इसका सही आंसर था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से, तक्षशिला शिक्षा के केंद्र था, ठीक है, तक्षशिला, नालंदा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो गंधार की राजधानी थी, ये पाटलिपुत्र की नहीं थी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए ये 16 महाजनपद है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। तो गंधार, तक्षशिला पाकिस्तान एट प्रेजेंट, ठीक है, कम्बोज, हाटक जम्मू कश्मीर पाक सीमा पे, मत्स्य से विराटनगर राजस्थान, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली हरियाणा, ठीक है, शूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, कौशल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, पंचाल आपका रहेगा उत्तर प्रदेश में ही, चेंदी उत्तर प्रदेश, वस्से उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ठीक है, काशी आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, मल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, असमक पोतना पोटली, ठीक है, अवंती, वेरी इंपॉर्टेंट, अवंती से भी क्वेश्चन कई बार आपका आता है, उज्जैनी
और ये भी आपका मध्य प्रदेश, विज वैशाली बिहार वेरी इंपॉर्टेंट, अंग और मगध, मगध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आता है, राजगृह बिहार, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये आपके 16 महाजनपद है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। संविधान का 103वां संशोधन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है, जैसे ओबीसी, ठीक है, इनके लिए बात करता है संविधान का 103वां संशोधन। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368, कौन सा, 368, संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर बदलकर संविधान में संशोधन कर सकता है, कौन से आर्टिकल के अंडर, अनुच्छेद 368 के अंदर, भाग 20, अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से यह प्रक्रिया ली गई है। तो आज जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें और भी बातें हैं ये भी देख लेते हैं हम। पहला संविधान संशोधन हुआ था हमारा कब, 1951 में, ठीक है, 9वीं अनुसूची के अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी। पहला संविधान संशोधन 1951, जो आपकी अनुसूची कौन सी थी, शेड्यूल कौन सा था, 9वीं, सारी 12 की 12 शेड्यूल आपको लर्न करके जाना है, मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके करवा दूंगी जी। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है, 12, टोटल कितनी है, 12। पहला संविधान संशोधन मैंने आपको बताया 9वीं अनुसूची के अंडर 1951 में, क्या बात हुई थी, भूमि सुधार से संबंधित था ये। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची 1985, इसमें क्या बात करी गई थी, दल बदल पर अंकुश लगाना, कि कोई भी किसी भी पार्टी में दल बदल पर कंट्रोल करना। 73वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, और कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची 1992-93, 1992-93, पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायत राज व्यवस्था की बात कौन से संविधान में करी गई थी, 73 में। अगला है आपका 74 संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची में बात हुई थी इसकी, और इसमें बात करी गई थी आपकी नगर पालिका के बारे में। यहां से एक आधा क्वेश्चन, 12 अनुसूची में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा सभी एग्जाम, ठीक है। तो आज हमने जो जितने भी क्वेश्चन करे हैं आप इनकी प्रैक्टिस करिए, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अब जो कल वीडियो होगी उसमें आपका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, जिससे आपका आगे आगे जैसे आपकी वीडियो बढ़ती जाएगी आपके सारे क्वेश्चन होते जाए। आज बेसिक एक वीडियो थी आपके लिए, ताकि आप बेसिक समझ लेंगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उससे ज़्यादा आपको लेवल देखने को मिलेगा। थैंक यू, इसी तरीके से बने रहिए, अपने टारगेट बैच और अपनी यूपी की वर्दी लेके रहिए।